मोदी जी से कहती हूँ वीजा वीजा की कोई जरूरत नहीं है, सबको उठाओ और फेंकवाओ इनको सबको गाजा पट्टी में, वहीं जाके जंग करेंगे। अब बाबा जी ने तो बोला भी है कि भाई जान की कोई कीमत नहीं है, जिस मजहब से ये आज आइडियोलॉजी के लिए आप जान देने के लिए तैयार हैं, वो जो आज आपने ये जो होंठों पे लाल लिपस्टिक लगाई हुई है और चेहरा आपका खुला हुआ है ना, तो उसकी इजाजत नहीं है। आपकी गर्दन मार दी जाएगी चौराहे पे खड़े हो रख कर, आपको आपको $50 में बेच दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका स्टैंड्स में स्वागत है। और आज कई दिन बाद मैं स्टैंड्स कर रही हूँ और एक अहम मुद्दा और एक वायरल वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और बहुत जम के वायरल हो रही है, उस पर बात करेंगे। खबर पे आगे बढ़े उससे पहले आप सबको रिमाइंड करा देना है कि आप सबको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर भी करना है, और अगर कोई सुझाव है तो आप कॉमेंट के जरिए या फिर ईमेल के जरिए सुझाव हम तक भेज सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं स्टैंड्स में, क्या बात करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और जिसमें आपको एक लड़की नजर आ रही है जो कि फलस्तीन जाने की बात कर रही है, और क्यों कर रही है ये आप सब जानते होंगे। पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर हम आपको इस पर चर्चा करेंगे। कि मुझे जो है फलस्तीन जाना है, सो मैं वीजे के लिए अप्लाई करने के लिए आई थी, बट कुछ इशूज की वजह से नहीं हो पा रहा है। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सरकार को बोले, और आप लोगों के न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार को आप बोले कि जो फिलिस्तीन की सरहदें हैं वो हम हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए खोल दी जाए। क्यों जाना चाह रही हूँ, आप लोग देख नहीं पा रहे कि फिलिस्तीन में हो क्या रहे? आप लोग तो न्यूज चैनल वाले हो, आप लोगों को खुद दिख रहा होगा ना कि चीजें कितनी बेकार चल रही है। फिलिस्तीन के हालात देख रहे हो, बच्चे किस तरीके से, जान की, देखो भाई मैं जिस मजहब से आती हूँ ना उसमें जान की कोई कीमत नहीं है। जान की कीमत से वो डरे जो एक ही बार में खत्म हो सकते हैं, हम नहीं डरते। तो जान जो है ना, देखिए मौत जो है ना बिस्तर पे भी आती है, लेकिन जो ऐसी जंग लड़ते ना उसे तारीख और इस्लाम याद रखता है। तो मैं आई हूँ और मैं सरकार से अपील कर रही हूँ कि आप मुझे जो है, मैं अपना पासपोर्ट अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर आई हूँ। सो आई जस्ट वॉन्ट कि मैं सरकार सरहदें खोल दे। और वही हुई, कोई कह रहा है इसराइल जाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं फलस्तीन। तो मैं तो कह रही हूँ ना कि ये सारे जुमलेबाज जो है ना, जो लोग जो दिखावा कर रहे हैं, जो फुटेज लेना चाहते हैं, मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी सरकार को कि मोदी जी आप जो है दोनों कंट्री की सरहदें खोल दे, दोनों कंट्री की वीजे इश्यूज करना स्टार्ट कर दे। बमबारी हो रही वहाँ पर, बमबारी हो रही, मौत मेरी रहेगी ना तो मैं मरूंगी, और मेरे को नहीं फर्क पड़ता। मैं वहां पर लोगों के पास जाऊंगी, मुझसे जितनी हेल्प हो सकती है हम उतना करेंगे। हम जो मुहिम हमने चालू किया है इंडिया के अंदर, हम वो जो है मैं फंड रेज करवा रही हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो हमारी माइनॉरिटीज कम्युनिटी है वो फंड रेज कर रही है गाजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए, हम उनकी मदद वहां पर जरूर करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं गाजा पूरा हम समेट देंगे, साफ कर देंगे, आप गाजा जाना चाहती हैं? उस जंग के बारे में मत सोचो जो तुम जीत नहीं सकते। मैं ऐसे शैतानों को यही कहूंगी कि उस जंग के बारे में कभी अपने दिल के अंदर ख्याल भी मत लाओ जिसकी तुम कभी जीतने की सोच भी नहीं सकते, इससे सिर्फ तुम्हारी बदनामी हो। मैं आप तो ये बाजी आप देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पे काफी जम के वायरल हो रही है, जो कि फलस्तीन की वीजा मांगने के लिए गई थी, इनको वीजा नहीं मिला और ये बहुत नाराज है और मोदी जी से कह रहे हैं कि भाई सरहदें खोल दीजिए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, ताकि वो जाएं फलस्तीन गाजा के लोगों के लिए जंग करें। और फंड रेजिंग भी कर रही हैं ये ताकि फलस्तीन के लोगों के लिए मदद कर सकें। बहुत अच्छी बात है कि आप अगर कोई भी ह्यूमैनिटेरियन कोई क्राइसिस है तो उसकी मदद करनी बनती है, और भारत सरकार हमेशा कभी भी इस तरह की कोई भी आपदा होती है या कहीं भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन किसी भी कंट्री में क्रिएट होती है तो भारत कभी भी उससे पीछे नहीं हटता है। ये बात सब जानते हैं, हिस्ट्री है, फैक्ट है, और हमेशा से भारत के इसी चीज के लिए पहचाना जाता है कि भारत हमेशा हर सताए हुए इंसान को शरण देता आया है, हर सताए हुए दुखी इंसान की मदद करता है, चाहे कोई समुदाय हो जिस पर धर्म के आधार पर कहीं पे भी कोई उत्पीड़न हुआ हो। तो ये बात है भारत की, लेकिन हम बात करते हैं भारत में रहने वाले इस तरह के मुसलमानों की जो कि कहीं ना कहीं, देखिए आप फिलिस्तीन की बात करें, आप गाजा की बात करें, इसराइल की बात करें, एकदम एकदम जस्टिफाइड है, लेकिन भारत के मुसलमानों में फिलिस्तीन के लिए इस कदर मोहब्बत नजर आ रही है,
बाजी पहुंच गए वीजा लेने के लिए, इनको वीजे मिल नहीं रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है भाई। आप तो, मैं तो मोदी जी से कहती हूँ वीजा वीजा की कोई जरूरत नहीं है, सबको उठाओ और फेंकवाओ इनको सबको गाजा पट्टी में, वहीं जाके जंग करेंगे। अब बाजी ने तो बोला भी है कि भाई जान की कोई कीमत नहीं है, जिस मजहब से ये आते हैं तो जान की वहां पे कोई कीमत नहीं है, मरना तो बिस्तर पे भी है, तो गाजा पट्टी पर जाकर क्यों ना मरा जाए। बहुत अच्छा ख्याल है। लेकिन बाजी एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि जिस आइडियोलॉजी का आप समर्थन यहाँ पर आप कर रही हैं, आप अपने वो जो आपने लिया हुआ एक एनवेलप, उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स वीजा पासपोर्ट के लिए सब कुछ लेकर आई हुई हैं, तो आपकी याद दहानी के लिए मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि जिस आइडियोलॉजी के लिए आप जान देने के लिए तैयार हैं, वो जो आज आपने जो होंठों पे लाल लिपस्टिक लगाई हुई है और चेहरा आपका खुला हुआ है ना, तो उसकी इजाजत नहीं है। आपकी गर्दन मार दी जाएगी चौराहे पे खड़े रख कर, आपको $50 में बेच दिया जाएगा अफगानिस्तान की। आपको शायद ये सारी चीजें नहीं याद है। और देखिए अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, बड़े हमारे पड़ोस मुल्क में। चलिए हम पाकिस्तान के हिंदुओं की या पाकिस्तान के काफिरों की तो हम ये बात ही नहीं कर रहे, लेकिन मुसलमानों की हम बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है भाई, आप औरतों के लिए, बच्चों के लिए बात कर लीजिए। अफगानिस्तान में औरतों को मारा जाता है, उनको बाहर निकलने का, घर से कहीं जाने का, डॉक्टर के पास जाने का, स्कूल जाने का किसी तरह का कोई भी राइट नहीं है। लेकिन हमने इस तरह की बहनों में कोई गुस्सा, कोई गम, कुछ भी नजर उनके अंदर नहीं आया। लेकिन अफगानिस्तान के लोगों के साथ इनके लिए कोई हमदर्दी नहीं है। भारत के लोगों की बात कर लेते हैं, बल्कि भारत की अगर हम बात करें, भारत के मुसलमानों में एजुकेशन लिटरेसी रेट की बात कर लेते हैं, या उनका जो हेल्थ केयर इंफ्रा की बात कर लेते हैं, या क्वालिटी ऑफ हेल्थ की बात कर लेते हैं, न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं, मस्जिदों के लिए सब चंदा कर लेते हैं, दीन के नाम पर सब चंदा करते हैं, दीन के नाम पर लोग किस तरह से सड़कों पर उतर कर आ जाते हैं, आपके सामने एग्जांपल है। लेकिन कौम की बेहतरी के लिए कभी इस तरह के कोई इनिशिएटिव, इतना ये जज्बा, ये जुनून भारत के मुसलमानों में अपने ही कौम की बेहतरी के लिए कभी नजर नहीं आया। ट्रिपल तलाक की बात हो, या मुसलमान औरतों को किस तरह से आए दिन घर से पीट कर बाहर निकाला जाता है, उनके जो लीगल राइट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए कभी कोई इनिशिएटिव उठाया हो, या सरकार अगर इनिशिएटिव उठाती है तो उसको कह देते हैं कि भाई ये तो आरएसएस के खरीदे हुए लोग हैं या आरएसएस के दलाल हैं। तो सवाल यही है कि आखिर भारत के मुसलमानों की जो मानसिकता है वो इस तरह की क्यों है? देश के लिए जब भी कोई बात आएगी या देश के लोगों के लिए कुछ करने की बात आएगी तो ये सड़कों पे फैल के लेट जाएंगे और बोलेंगे कि भाई मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जहां पर जुल्म हो रहा है वहां पर ये मरने कटने के लिए तैयार है। कहते हैं कि भाई सबको भेज दो मोदी जी, सरहद खोल दो। भाई खोल दो मोदी जी, क्यों अपनी सरहद बंद की हुई है? खोल दो, पाकिस्तान से दौड़ते हुए सीधे जाएंगे और सीधे फलस्तीन पहुंच जाएंगे, और जो फलस्तीन नहीं पहुंचेंगे तो शायद पाकिस्तान में ही रह जाओ। बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान बड़ा पसंद है, रह गए थे पता नहीं किस तरह से गलती से हिंदुस्तान में, लेकिन दिल उनका दिल दिल पाकिस्तान है। तो जिनके दिल दिल पाकिस्तान है, जिन दिन के दिल दिल फलस्तीन है, उनको सबको भेज दिया जाए फलस्तीन, क्योंकि भारत में इस तरह के लोगों के लिए तो बिल्कुल जगह नहीं है। क्योंकि आप रहते तो भारत में है, लेकिन गुणगान दिल दिमाग में आपके गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी और गाजा के लोगों के साथ, या जो कहीं पर भी इंसानियत के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है बिल्कुल गलत है। लेकिन आप इस कदर क्यों दीवाने हुए जा रहे हैं भाई साहब? क्या हो गया आपको? आप अपने घर में रहिए, आपको तो आप जाएंगी ना, तो आपको पता नहीं क्या हो गया आपके, आपका कहीं पे सुरमा भी नहीं दिखाई देगा कि आप थी कहाँ पे, और वही लोग आपका सुरमा करेंगे जिनके लिए आप यहाँ पर खड़ी होके जान दे रही हैं। तो ये मुझे लगता है कि इनको पहले हमास का चार्टर पढ़ना चाहिए था, जो कि उन्होंने पढ़ा नहीं है, जिसमें लिखा है कि गाजा पट्टी के बाद इसराइल, इसराइल के बाद पूरी दुनिया फतह करेंगे, जहाँ पर हिंदुस्तान में रहकर ये यहाँ पर ये नारेबाजी, धरना प्रदर्शन और मीडिया से ये बहुत ही एटीट्यूड में गुस्से में आके बात करेंगे। आपको पता नहीं है कि इसराइल में क्या हो रहा है, गाजा पट्टी में क्या हो रहा है, इसराइल कितना जुल्म कर रहा है। लेकिन इनको ये अफसोस नहीं हुआ, इस बात का दुख नहीं हुआ कि हमास ने किस तरह से इसराइल के बच्चों, औरतों पर जुल्म किया, मासूमों का रेप किया, मासूमों की गर्दनें उड़ाई, वो जुल्म नहीं है। वो तो ठीक है, मतलब वो तो, मतलब वो चलता है, इतना तो होता है, और इसकी आदत भी है, पूरी दुनिया को इसकी आदत पड़ गई है। अल्लाह अकबर कह के आईएसआईएस ने कितने लोगों के गले काटे हैं। कभी मुसलमानों को सड़कों पे आपने देखा कि इस्लाम के नाम पर ये जो आप जुल्म करते हैं इंसानियत पर, ये इस्लाम नहीं है, और हम उसके सख्त खिलाफ हैं। इस शिद्दत के प्रदर्शन आपने देखे कि हम आईएसआईएस के खिलाफ हैं, सड़कों पर बैठ जाएं या वीजा या पासपोर्ट सीरिया जाने के लिए ये मांगे, नहीं भाई मानी जाएंगे,
और आप वहां पर तो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन सीरिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अभी अफगानिस्तान में आए दिन जहां पर शिया इलाके हैं वहां पर बम उड़ाते रहते हैं, अभी भी बम ब्लास्ट हुआ वहां पर, 4-5 लोग मरे, और ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, अफगानिस्तान में आए दिन जितने भी शिया इलाके हैं वहां पर ब्लास्ट होते हैं, पाकिस्तान में चाहे शिया की बात करें, बलोचों की बात करें, सिंधियों की बात करें, हिंदुओं की बात करें, सिखों की बात करें, क्रिश्चियंस की बात करें, सब पे जुल्म होते हैं, लेकिन इनको बाजी को बिल्कुल बुरा नहीं लगता। तो बुरा सिर्फ हमें वहां लगता है जहां पर हमारे जज्बात एकदम बहुत ही ज्यादा उमड़ कर आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान कौम है, वो भी भारत की नहीं, दूसरे जहाँ पे, क्यों यहाँ पे उम्मी ज्वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उम्मा उम्मा, तो वही इनको उम्मा उम्मा करना है, इनको यहाँ पर जो बैठ के वो ये रो रही हैं, इनका रोना बंद करवाइए, और अल्लाह के वास्ते इन सबको सबको गाजा पट्टी में डलवा दीजिए, वहीं पे ये सही रख सारे सही उनकी जगह है, मैं बता रही हूँ, और सबको बिठवाइए, कोई 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 जरूरत नहीं है इस तरह के लोगों की भारत में, और इनको पता चलेगा कि भारत क्या है, और गाजा, फलस्तीन, पाकिस्तान, और जिस जिस के लिए दिलों में बड़ी मोहब्बत है वो क्या है, क्योंकि यहाँ पर रहकर आप सेक्युलरिज्म के नाम पर ये सारी चीज़ें जो ड्रामे करते हैं ये इसीलिए करते हैं क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अगर आप पाकिस्तान में रहते, पाकिस्तान फिलिस्तीन के साथ रहे, अच्छी बात है, हम भी फिलिस्तीन के लोगों के साथ हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, फिलिस्तीन हो या इसराइल, जुल्म के हम खिलाफ है, लेकिन आप एक जुल्म तो जुल्म लगता है, दूसरा जुल्म जुल्म नहीं लगता, तो जुल्म जुल्म में आप फर्क करते हैं, तो फिर आप तो मजलूम तो नहीं हुए, तो आप तो यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं धर्म के नाम पर, तो जब तक आप राजनीति में से धर्म नहीं निकालेंगे और धर्म में से राजनीति नहीं निकालेंगे, तो तब तक आप खुद को सेक्युलर तो नहीं कह सकते, क्योंकि आप सेक्युलर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप धर्म के नाम पर सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलना जानते हैं, और जब तक आप विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे तो ये खेला खेला जाता रहेगा, और आप इस खेले का अंत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत देखा दुनिया ने धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर ये खून खराबा। आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे अगली वीडियो में, और दीजिए हमें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।